आज हम सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नागरिकता के बारे में बहस करेंगे तो यहाँ से दो बातें निकलती, एक तो सिटीजन, दूसरा शिप। यानी नागरिकता एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है, एक व्यक्ति की पहचान है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो भारत के संविधान में इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया है वो संविधान के पार्ट टू में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि जब हम वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन का संसदीय स्वरूप। और शासन के संसदीय स्वरूप का सबसे बेहतर उदाहरण यूनाइटेड किंगडम का रहा। यदि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के आधार पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम स्थापित है, एकात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। यानी ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है एकल नागरिकता। चूंकि भारत ने भी वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही अपनाया, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यदि देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्वाशी फेडरल है। क्वाशी फेडरल का मतलब ही हुआ कि इसमें को एक्सिस्ट दिखता है यूनिटरी एंड फेडरल का। तो यूनिटरी का जो एग्जाम्पल हुआ, यूनिटरी का एग्जाम्पल हुआ यूके, जहां पर सिंगल सिटीजनशिप को हमने एडॉप्ट किया, जबकि फेडरल का एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप की बात की गई। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री होने के बाद भी, संसदीय शासन व्यवस्था होने के बाद भी, हमारा संघीय स्वरूप होने के बाद भी हमारा झुकाव एकात्मक शासन की तरफ है, यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ है। इसलिए भारत के संविधान को यदि देखें तो हमारे संविधान में यदि हम नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें, नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता का प्रोविजन किया गया है। और इस प्रकार से एकल नागरिकता का जो रिसोर्स है वह रिसोर्स यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक बात मैं और करूँगा कि भारत में जो नागरिकता संबंधी प्रोविजंस किए गए हैं वह प्रोविजन सारे देश पर लागू है, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और इसी के साथ साथ आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सो आई कैन से द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर नॉट इम्प्लीमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज देयर आर ड्यूअल सिटीजनशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट
द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर रेजिडेंस इज नॉट सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता क्योंकि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप है और ये एक नागरिकता संबंधी प्रावधान का भारतीय संविधान में एक अपवाद है। अब देखिए, जो भी सिटीजन होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सिटीजन होगा, सभी प्रकार के जो सिटीजन होते हैं वह अपने आप में देखा जाए तो एक पर्सन जरूर होंगे। एवरी सिटीजन इज अ पर्सन। तो हम यदि बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देखा जाए तो पर्सन कई प्रकार के होंगे। एक तो सिटीजन होगा, दूसरा एलियंस होते हैं, तीसरा स्टेटलेस पर्सन होते हैं और चौथा रिफ्यूजी होता है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि आखिर में ये क्या होते हैं। देखिए, सिटीजन जो है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त होता है और उसे किसी भी नेशन के, एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल कम्युनिटी का या सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबरशिप प्राप्त होता है ना। तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त होती है, वह वहाँ की राजनीतिक समुदाय का हिस्सा होता है और उसे उस देश में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त होता है। एलियंस जो होते हैं उन्हें हम फॉरेनर के रूप में जानते हैं, विदेशी के रूप में जानते हैं। अब विदेशी कौन होते हैं, यानी कि दो सिटीजन ऑफ अदर नेशन होंगे, सॉरी द सिटीजन ऑफ अदर जो नेशन होंगे वह सिटीजन ऑफ अदर नेशन ही क्या होंगे, फॉरेनर होंगे। और इस तरह से देखा जाए तो फॉरेनर दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली भी हो सकते हैं, एक एनिमी भी हो सकते हैं, यानी वह मित्र भी राष्ट्र का हो सकता है और वह शत्रु राष्ट्र का भी हो सकता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में फॉरेनर्स को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। हम देखेंगे आगे जाके कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स हम फॉरेनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा बात आता है स्टेटलेस पर्सन। देखो, स्टेटलेस पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास किसी भी नेशन का मेंबरशिप प्राप्त नहीं होता है, वो किसी भी नेशन के पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर नहीं होता है, उसे किसी भी नेशन का सिटीजनशिप नहीं होता है। ये लोग जो होते हैं वो नेशंस के बाउंड्री पर इलीगल तरीके से निवास करते हैं, ऐसे लोगों को स्टेटलेस कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक मामला आया था रोहिंग्या मुस्लिम का। रोहिंग्या मुस्लिम को देखा जाए तो ये म्यांमार के, भारत के और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं और इनको लेकर अभी हाल ही में म्यांमार में और बांग्लादेश में एक एग्रीमेंट हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश ने इस बात पर एग्रीड किया कि वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और म्यांमार उनके रेजिडेंस की व्यवस्था करेगी। भारत में भी आंतरिक संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को हवाला देते हुए सरकार ने रोहिंग्या को भारत में अडॉप्ट करने और नागरिकता देने से मना कर दिया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है बांग्लादेशी घुसपैठ, इनकर्शन ऑफ बांग्लादेशी। तो भारत में देखा जाए तो असम एरिया में लगभग 46 लाख बांग्लादेशी भारत में निवास करते हैं और इस प्रकार से करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बनता है कि नेशनल सिटीजनशिप से रिलेटेड जो ड्राफ्ट है उसको मसौदा बनाने में ड्राफ्ट तैयार करने में भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो असम है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किए जा रहे हैं, वहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा। दूसरा बात होता है रिफ्यूजी। देखो, रिफ्यूजी का यदि हम कैरेक्टर देखें तो रिफ्यूजी एक तरह से फॉरेनर ही होता है, लेकिन उसे सेल्फ के नेशन में उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को एक तरह से देखा जाए तो खतरा महसूस होता है, इसलिए प्राण और दैहिक जीवन की सुरक्षा के लिए रिफ्यूजी दूसरे देश का शरण लेता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो यदि हम यहाँ पर
दलाई लामा को लेते हैं, तो दलाई लामा एक तरह से देखा जाए तो तिब्बत के नागरिक हैं और वो भारत में शरण प्राप्त किए हुए हैं, तो भारत के लिए दलाई लामा क्या है, एक रिफ्यूजी की भांति यहाँ पर उदाहरण बनते हैं। तो ये बात यहाँ पर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पर्सन। अब देखिए आगे हम देखते हैं, हमने बात किया फंडामेंटल राइट्स फॉर फॉरेनर, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब देखो विदेशियों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि आखिर में फंडामेंटल राइट्स है क्या चीज। देखो फंडामेंटल जो राइट्स होता है उसमें किसी भी व्यक्ति का जो एक तरह से देखा जाए तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है जिसे हम भौतिक विकास कहते हैं, दूसरा विकास उसका नैतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक विकास होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट इन विच इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल, एंड सेकेंड मोरल स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। अब इसमें एक प्रकार का कोई विकास हुआ दूसरे प्रकार का नहीं हुआ तो समझो मानव का विकास नहीं हुआ। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होता है जो मानव के दोनों प्रकार के राइट्स के लिए जरूरी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता फंडामेंटल राइट्स के लिए ये है कि ये प्रोवाइड करता है आपको फ्रीडम अगेंस्ट स्टेट, मूल अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध आजादी प्रदान करता है। तो देखा जाए कि भारतीयों के भौतिक और नैतिक विकास के साथ साथ क्या विदेशियों का भी भारत में भौतिक और नैतिक विकास संभव है या होना चाहिए, क्या भारतीय नागरिकों को राज्य के विरुद्ध आज़ादी के साथ साथ विदेशियों को भी वो आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस बात को देखते हुए हमारे संविधान में विदेशियों के लिए भी मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत जो टोटल मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इस 6 फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हम विदेशियों को प्रदान करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहला जो राइट है वह राइट हमारे संविधान में समता का अधिकार है। अब समता के राइट में देखा जाए तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आपको प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 14 कह रहा है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के सम्मत समता का अधिकार। तो क्या विधि के सम्मत समता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ये राइट विदेशियों को भी प्राप्त होना चाहिए भारतीयों के साथ साथ। दूसरा कह रहा है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को हम निषेध करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड ऑफ कास्ट रेस जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस आधार पर देखा जाए तो हम विदेशियों के साथ भेदभाव करते हैं ये राइट नहीं देते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात कर रहा है, तो यह लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार विदेशियों को हम प्राप्त नहीं करेंगे। 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अंत की बात कर रहा है, यह भी अधिकार हम विदेशियों को नहीं देते हैं। और यदि हम आर्टिकल 18 की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सक्लूडिंग आर्म्ड एंड एजुकेशनल टाइटल की बात कर रहा है, तो विदेशी कोई भी टाइटल रखें हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो विदेशियों को ये भी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ एक आर्टिकल 14 हमने यहाँ पर विदेशियों को प्रदान किया। दूसरी बात हम देखें, अगला राइट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रीडम के अधिकार में आर्टिकल 19, 20, 21, 21A और 22, यहां से यदि हम देखा जाए तो यहां पर आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फ्रीडम की बात कर रहा है। तो यह देखा जाए तो कुछ मित्र राष्ट्रों को जो फ्रेंडली होते हैं वो प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ एनिमी जो कंट्री होते हैं उनको ये राइट हम नहीं देते हैं।
आर्टिकल 20 जो है वो ये बात कहता है कि अपराध के संबंध में दो सिद्धि तक संरक्षण, तो इस संबंध में ये राइट्स हम विदेशियों को भी प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी विदेशी है वो तब तक क्रिमिनल नहीं हम मानेंगे जब तक उस पर क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है, उसे अपने संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा है आर्टिकल 21, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी आल्सो अंडर आर्टिकल 21। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार आपको दे रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है, वह राइट भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान हमने करेंगे। आर्टिकल 21 ए डिस्कस करता है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एज, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को देने की बात कर रहा है, तो यह अधिकार हम भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करेंगे। दूसरा बात है कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट की बात कर रहा है और डिटेंशन इन सर्टेन केस की बात कर रहा है, तो अपराधों के संबंध में एक तरह से बात किया जाए तो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात कर रहा है, तो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा तो यहाँ से आर्टिकल 14 के अतिरिक्त आर्टिकल 20, 21, 21A और 22 हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे, अगला जो राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो बात है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब देखिए आर्टिकल 23 जो है वो ये कहता है, सबसे पहले तो बात हम अपने माइंड में ये सेट कर लें कि भारत का संविधान और भारत की परंपरा और हमारी संस्कृति इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करती है कि हमारा भारतीय समाज किसी भी देशी या विदेशी नागरिक का किसी भी प्रकार का शोषण करता हो। और हर प्रकार के शोषण की बात यहाँ पर हम संविधान में नहीं कर सकते, लेकिन इस आर्टिकल में दो तरह के शोषण की बात फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत की गई है। एक पहला जो शोषण का राइट है उसके अंतर्गत जो बात किया गया है, शोषण के विरुद्ध जो राइट दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो इसके अंतर्गत जो बात की गई वो आर्टिकल 23 आपसे कह रहा है कि मानव का देह व्यापार और वालात श्रम से संरक्षण की बात कर रहा है, इसको निषेध करने की बात कर रहा है। ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को फाइनली खत्म करने की बात कर रहा है, तो इसको हम विदेशियों को भी प्रदान करेंगे, विदेशियों को भी हम वेश्यावृत्ति या बिना वेतन के काम में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 24 कह रहा है कि जब बच्चों को हमने राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है तो 14 साल से कम यानी लेस देन 14 ईयर्स जो भी चाइल्ड होंगे उनको हम कारखानों में प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें काम पर नहीं लगाएंगे। हाँ ये जरूर है कि 14 से 18 साल के बच्चे को आसान काम में और 18 साल से ऊपर के बच्चे को कठोर काम में हम लगा सकते हैं, तो यहाँ से ये भी राइट हम विदेशियों को प्रदान करेंगे। इसके बाद जो राइट की बात की गई है वो धर्म की या धार्मिक एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। और जब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 की बात की गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के सभी अधिकारों को हम भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्रदान करेंगे। तो ये वो फंडामेंटल राइट्स थे जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को हम प्रदान करते हैं। अब आइए हम देखते हैं आगे। अब जब आगे इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1900 यदि हम 55 की बात करें तो इसके अंतर्गत दो बातें महत्वपूर्ण की गई है, एक्विजिशन ऑफ
citizenship and second loss of citizenship. तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि यदि यहां पर हम डिस्कस करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है आर्टिकल 11. यदि हम आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के प्रावधान में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, यानी नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति के संबंध में वो कानून बना सकती है. ये अधिकार आर्टिकल 11 के अंतर्गत दिया गया और इस बात को नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किया गया है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी. तो आइए चर्चा करते हैं कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हमें कैसे होगी. यदि हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, तो हमारे देश में नागरिकता की प्राप्ति जो है वो 5 वे बनाए गए हैं जिससे भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है. जैसे हम 5 वे की बात करें तो सबसे पहले बात आती है बाई बर्थ, दूसरा बाई डिसेंट, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और चौथा है by incorporation of other territory, दूसरे राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा. यानी भारत की नागरिकता की जो प्राप्ति होगी वो by birth से पहली बात कह रहा है. तो पहली बात by birth का मतलब है यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह बच्चा जन्म से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा. लेकिन इसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड देयर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए. हाँ, इसके अंदर एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशों में जो राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं नियुक्त, उनको इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं मानते हैं. दूसरी बात ये मानता है कि बाई डिसेंट यानी वंश के द्वारा, यानी कोई माता पिता भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत की नागरिकता उनके पास है और वो बच्चे को जन्म किसी दूसरे नेशन में देते हैं तो वहाँ पर उस बच्चे को जन्म के द्वारा नहीं लेकिन वंश के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त होगी. दूसरा बात है बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा. पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है उसमें मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 5 साल या 7 साल भारत में रहता है तो उस आधार पर उसे भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा. लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन जो नागरिकता होगी वो उन्हें ही प्रदान किया जाएगा जो लोग भारतीय मूल के होंगे. तो अगली बात कह रहा है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा. तो देशीकरण के अंतर्गत मेंशन करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो प्योर विदेशी है और 10 साल भारत में रहता है जिसमें 1 साल नागरिकता संबंधी आवेदन से पूर्व वो परमानेंटली रह रहा है और भारत के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज मेंशन है उसमें से एक लैंग्वेज वो आता है उसे, तो उस आधार पर उसे भारत की नागरिकता हम क्या करेंगे, प्रदान कर देंगे. दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर टेरिटरीज, दूसरे राज्य क्षेत्र के समावेशन के द्वारा. यानी यदि भारत भविष्य में दूसरे राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लेता है तो उस राज्य क्षेत्र के नागरिक भारत के नागरिक होंगे. ये प्रोविजन यहाँ पर किया गया है. तो इस 5 तरीके से भारत की नागरिकता हम प्राप्त करेंगे. अब आइए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं यदि हम फॉरेन रेजिडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 बातें की जाती हैं. एक तो विदेशों में रहने वाले लोग इंडियंस भी हो सकते हैं और विदेशों में रहने वाले लोग फॉरेनर्स भी हो सकते हैं.
अब इंडिया में रहने वाले जो विदेशों में रहने वाले जो इंडियंस हैं उन इंडियंस को हम लोग कहते हैं NRI, और जो फॉरेनर्स होते हैं उस पे दो तरह के लोग होते हैं, एक इंडियन हेरिडिटरी और दूसरे होंगे अदर्स। तो ध्यान देखिए, यदि इंडियन हेरिडिटरी की हम बात करें तो इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है PIO और दूसरा होता है OCI। तो सबसे पहले यहां पर जो बातें निकल कर सामने आई कि NRI क्या है, PIO क्या है और OCI क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, NRI जो होता है वो अपने आप में देखा जाए तो प्योर इंडियंस ही होता है, और इसे किसी भी प्रकार के भारतीय नागरिकता की ज़रूरत इसे नहीं होती है। इसके पास भारत की नागरिकता पहले से होती है, ये भारत का ही नागरिक है। तो ये होता है NRI, जो भारत का नागरिक है। अब NRI को देखा जाए तो पहले वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन बाद में NRI को हमने वोटिंग भी राइट दे दिया, और एक तरह से देखा जाए तो NRI उन सभी सर्विसेज को यूज करता है, फैसिलिटीज को प्राप्त करता है जो एक भारतीय प्राप्त करता है। विदेशों में जो राजदूत होते हैं या अदर विदेशी नियुक्तियों पर जो लोग जाते हैं उन्हें भी हम NRI का दर्जा देते हैं। दूसरी बात आती है PIO को और OCI को। तो जो PIO होगा वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसे बोलते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में फॉरेनर ही होता है, और इसका रेजिडेंस विदेश भी हो सकता है। तो ये जो PIO होगा तो वो कौन सा फॉरेनर होगा जिसे हम PIO कहते हैं, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। तो PIO जो होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह पर्सन होता है, वह फॉरेनर होता है जो कभी इंडियन पासपोर्ट को यूज किया होता है, या इसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा दादी कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, है ना। तो ये बात कह रहा है यहाँ पे। अब इसके अंतर्गत जो बात ये है कि ये तरह से देखा जाए तो ये 7 साल भारत में यदि ये परमानेंटली रहते हैं तो ये भारतीय नागरिकता को प्राप्त करते हैं। इन्हें भारत में हम वोटिंग राइट नहीं देते हैं, लेकिन ये भारत में अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो इनके बच्चों को जो एजुकेशन राइट भारत में देते हैं वो NRI कोटा में ही इनके बच्चों को भारत में एजुकेशन प्राप्त होता है। दूसरी बात आती है यहाँ पर OCI के बारे में। तो देखो, जो PIO का लिस्ट बनता है उस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चीन के नागरिक को शामिल नहीं करते हैं। OCI का जो लिस्ट बनता है, OCI को हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारी भारतीय नागरिक, यानी इसके अंतर्गत वे नागरिक होते हैं, ये भी फॉरेनर होते हैं, और इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कभी भारतीय नागरिकता का दावा करते थे या कर सकते थे, जो कभी भारतीय नागरिक बनने के योग्य थे। इसके अंतर्गत भी हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को शामिल नहीं करते हैं। इन्हें भारत में वोटिंग राइट तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये अकाउंट ओपन भारत में जरूर कर सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो 5 ईयर्स भारत में रहने के बाद ये नागरिकता के लिए दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो समय समय पर नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आती है, यदि हम सिटीजनशिप एक्ट 2015 को मेंशन करें तो सिटीजनशिप एक्ट 2015 से PIO कार्ड को OCI कार्ड में मिला दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली अब इशू करती है OCI कार्ड, और इसलिए ये OCI जो कार्ड धारक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि बाय नेचर या ड्यूअल सिटीजनशिप के रूप में इस कार्ड को जाना जाता है, और इसे लागू किया कर दिया गया। यानी कि आई कैन से After 2015, the PIO card also merged in OCI card. Now, Government of India issue only OCI card. तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो भारतीय नागरिक ही हैं, तो इन्हों नागरिकता की जरूरत ही नहीं है भारत की, ये तो पहले से नागरिकता प्राप्त हैं। इन्हें जो नागरिकता हम देते हैं PIO OCI को, ये by
रजिस्ट्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं, आई बात समझ में। और दूसरे जो अदर्स होते हैं, जो प्योर फॉरेनर्स होते हैं, जिनका इंडियन हेरिडेटरी से कोई संबंध नहीं होता, उन्हें हम बाय नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता, यानी देशीकरण के द्वारा हम भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। जैसे देखा जाए तो नागरिकता संबंधी अधिनियम में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कई अमेंडमेंट समय समय पर किया गया है, जैसे 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। तो ये टाइम हम देखा जाए तो नागरिकता में संशोधन इतने टाइम समय समय पर किया गया है। अब 2003 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि नागरिकता के क्रम में हमारे देश में एक कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप प्राप्त था। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या था कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप है। ऐसे नेशन जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, तो ऐसे देशों को चूंकि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जारी करता था। जब सिटीजनशिप एक्ट 2003 को पास किया गया तो इस कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को इसके द्वारा क्या किया गया, फाइनली फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो एक बात हमने यहाँ पर देखा कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता की प्राप्ति कौन से लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। बात करता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो नागरिकता की जो समाप्ति होती है वो तीन तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। पहला है रिनाउंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डिप्रिवेशन। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नागरिकता का परित्याग, नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता का छीन लिया जाना। तो देखो, इसका मतलब यह है कि नागरिकता का कोई भी व्यक्ति यदि वो 18 साल से अधिक उम्र का है और वो दूसरी देश की नागरिकता लेना चाहता है तो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि उसकी नागरिकता को एक साल तक हम होल्ड रखते हैं ताकि एक साल के अंदर यदि उसे लगता है तो भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है। नागरिकता की समाप्ति, यदि मान लो कोई व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली और उसने भारत के बारे में इस बात में इंफॉर्मेशन भारत को नहीं दिया, तो एटलीस्ट जैसे ही दूसरे देश की सिटीजनशिप उसके पास होगी, भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और तीसरा बात यह है कि देखो, यदि मान लो कोई व्यक्ति बाई रजिस्ट्रेशन या बाई नेचुरलाइजेशन भारतीय नागरिकता प्राप्त किया है और नागरिकता की प्राप्ति के बाद इंडिया अगेंस्ट एक्टिविटी में या किसी प्रकार के इंटरनेशनल करप्शन में वो इन्वॉल्व रहा है तो उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। इसे बोलते हैं डिप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता को छीन लिया जाना। तो जो नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन प्राप्त होगी उसको छीना जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ प्राप्त हो रही है तो जो सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ होगा उस सिटीजनशिप को राज्य द्वारा डिप्राइव नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता है, यानी जन्म से प्राप्त नागरिकता को आपसे छीना नहीं जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। तो आज हमने डिस्कस किया नागरिकता पर, अगले क्लास में हम या अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे।